देखिए जम्मू कश्मीर में तो हमको दिखाई पड़ रहा है सरकार बनेगी, हरियाणा पर बोलना मना है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब 8 अक्टूबर यानी मंगलवार को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया है। उनसे पूछा गया कि क्या लगता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन सरकार बनाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, वहीं हरियाणा को लेकर कहा कि हरियाणा पर बोलना मना है। देखिए जम्मू कश्मीर में तो हमको दिखाई पड़ रहा है सरकार बनेगी, हरियाणा पर बोलना मना है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे लेकर आंदोलन भी हुआ था, जिसमें महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सक्रिय थे। इन दोनों समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। हाल ही में जब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई और चुनावी मैदान में उतरी तो बृजभूषण शरण सिंह ने खूब हमला बोला था, जिसके बाद खबर आई कि बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी नेतृत्व ने हरियाणा पर बोलने से मना किया है। लेकिन सवाल यहां उनसे हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल पर हुआ था, जिसमें सारे एग्जिट पोल बीजेपी की हार की प्रबल संभावना जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद ने इस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। एक तरह से उन्होंने ये संकेत दे दिए कि वो भी एग्जिट पोल के आंकड़ों को यानी बीजेपी की हार को तय मान रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।